हाय एवरीवन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बी का फिफ्थ सेमेस्टर का जावा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर पी का अगर आप बी में है फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर में है तो ये वीडियो आपके लिए ही है ठीक है सिक्सटी फाइव नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा तीन घंटे आपको दिए जाएंगे पाँच यूनिट होंगे टोटल यूनिट फिफ्थ तक आपका ये क्वेश्चन पेपर है यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें आपके पास दो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड यानी कि आपको दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है आपको अगर फर्स्ट नहीं आता है तो आपको सेकेंड अटैम्प्ट करना है तो जो अच्छे से आपको आता है मिक्सरअप sure वही अटैम्प्ट करें ठीक है तो हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ आपको नोट्स लिखना है राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन जावा डेवलपमेंट किट तो आपने पढ़ा होगा बाइट कोड क्या होता है जे एम क्या होता है और जे डी के क्या होता है छः नंबर का आपका ये क्वेश्चन है तो ध्यान से करना नोट्स अच्छे से लिखना और इसके बाद बी क्वेश्चन पूछा सॉरी बी पार्ट है आपके पास पूछा गया है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा विथ सटेबल एग्जाम्पल तो आपको कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा बताना है और साथ में एग्जाम्पल भी देना है सात नंबर का है आपका ये बी पार्ट अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन तो आप सेकंड कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ मेथड ओवर राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ मैथड ओवर कितने नंबर का है नो बी है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक मैथड डिस्पैच चार नंबर का है ये ठीक है अब हम बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड की यूनिट सेकंड में भी आपके पास क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ थर्ड नहीं आता है आप फोर्थ कर सकते हैं और राइट right? हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस इन जावा एक्सप्लेन विद सटेबल एग्ज़ाम्पल आपको इम्प्लीमेंट करना है इंटरफेसिस जावा में एग्जाम्पल के साथ नौ no नंबर का है उसके बाद है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास आपने स्ट्रिंग का पढ़ा होगा स्ट्रिंग बफर क्लास का पढ़ा होगा तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है ओके okay. और उसके बाद फोर्थ uh, क्वेश्चन है व्हाट आर पैकेजेस पैकेजेस आपने ज़रूर पढ़ा होगा व्हाट आर देयर टाइप्स उसके टाइप्स भी पढ़े होंगे हाउ डू यूज़ डैम इन जावा प्रोग्राम और आप उसे जावा प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं नौ नंबर का है आपको बताना है बी है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टू डायमेंशनल एरिस पर आपको शॉर्ट्स नोट नोट्स लिखने हैं यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूँ फिफ्थ क्वेश्चन है और सिक्स क्वेश्चन है फिफ्थ नहीं आता है सिक्स जरूर करना आपको फिफ्थ है व्हाट आर द वेरियस वेज टू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा ऑल्सो एक्सप्लेन द जावा थ्रेड मॉडल आपने थ्रेड मॉडल पढ़ा होगा आपको लिखना है तेरह नंबर का है और फिफ्थ नहीं आता है सिक्स करना आपको राइट जावा एपलेट टू ड्रॉ वेरियस शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स इलेप्स आर्क्स एंड पोलिकन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एपलेट्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ये भी तेरह नंबर का है और राइट right. इसके बाद है आपका यूनिट फोर्थ यूनिट फोर्थ में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है सेवनथ और एट्थ है सेवंथ नहीं आता एट्थ करना है सेवंथ है वट इज़ ए डब्ल्यू टी इन जावा एक्सप्लेन एनी फाइव ए डब्ल्यू टी कंट्रोल्स विद हेल्प ऑफ जावा प्रोग्राम ए डब्ल्यू टी के बारे में आपको बताना है तेरह नंबर का है एटथ क्वेश्चन है वट इज़ द यूज़ ऑफ जे डी बी सी राइट द स्टेप टू सेलेक्ट एंड अपडेट रिकॉर्ड इन डेटा बेस यूजिंग जे डी बी सी दोनों में से जो आपको जो आपको बेटर आता है आपको वही अटैम्प्ट करना है मेक श्योर यूनिट फिफ्थ में कंपलसरी है नाइन्थ क्वेश्चन व्हाट आर लेआउट मैनेजर इन जावा दो नंबर का व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ जावा दो नंबर का व्हाट इज़ द व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ स्टैटिक क्लास ये भी दो नंबर का व्हाट इज़ एब्सट्रेक्ट क्लास टू नंबर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट मैथड इन एपलेट दो नंबर का वट इज़ सिनकोरजाइशन इन मल्टी थ्रेडिंग तीन नंबर का ठीक है तो ये था आपका जावा का क्वेश्चन पेपर अगर आपको बी सी से फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर और भी सब्जेक्ट का देखना है कमेंट में बताएं प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से ज़रूर देखें ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें थैंक यू गाइज बाय